प्यारी सात संगत जी, गज के फतेह बुलाओ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैनू तकरीबन 2 महीने हो गए पंजाब दे तकरीबन 60 हलकियां तो वध मैं जा चुका है। कई हलकियां च पूरा दिन, कई हलकियां च रैली। मैं यकीन ना कह सकदा, एक बहुत तकड़ी लहर चल रही है बदलाव करन दी। कांग्रेस पार्टी दे राज ने पंजाब दा बुरा हाल कर दिता ते आम जनता दा बुरा हाल कर दिता। सही मैंने ते सरकार है ही नहीं पंजाब च। 5 साल कांग्रेसियां ने झूठ बोल के, थोड़ियां भावना ते खेड़ के, झूठियां सोवां खा के पंजाब दी जनता नूं गुमराह करके, ठगी मार के सरकार बना ली। पर 5 साल दिखाई नहीं दिते। 5 साल ना मुख्यमंत्री दिखाई दिता, ना इन्हां दे मंत्री दिखाई दिते। इको एक काम किया इन्होंने, लुट्टन का काम किया। जिन्हें इन्हों के विधायक है, सब तो वड्डे रेत माफिया वो आप है। जिन्हें इन्हों के विधायक है, खास करके थोड़ा इतों का विधायक, जिमें तुसी पता ही है, शराब दियां जाली फैक्ट्रियां ला के बैठे है। गुंडागर्दी का राज किया, श्रोमणी अकाली दल के वर्करां ते झूठे केस किए हैं। आ सोचते हैं कि केस करके श्रोमणी अकाली दल के वर्करां नूं डरा देंगे या धमका देंगे, पर मैं ना सिर झुकदा वर्करां दा, जिन्होंने इन्होंने डट के मुकाबला किया। ते अज जड़ी एड्डी वड्डी लहर खड़ी हुई है, आपने वर्करां ने लहर खड़ी की है। मैं थोनू एक गरंटी जरूर दिना, एक वादा मेरा सब तो पहला तो पक्का, जेड़े जेड़े अफसर ने झूठे केस किए हैं, मैं गरंटी दिना नौकरियों तो जाने जेड़े अफसर किए हैं। ते जेड़े कांग्रेसियों ने कराए हैं, वो भी सने विधायक अंदर जाने, मैं तुम्हें आ गरंटी दिना। इन्ना गुंडागर्दी का राज, 80-80 साल के बुजुर्गों 307 विच 16-16 साल दियां लड़कियां नूं मर्डर केस पा देना, एडा वड्डा पाप। की राज करना है उन्होंने, पता नहीं कि राज कराउण वाले भी सामने बैठे ते राज तो लाउण वाले भी सामने बैठे है। 10 साल श्रोमणी अकाली दल दा राज सी, साहब प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री, हर रोज नवीं नवीं चीज बनती सी। किते थर्मल प्लांट बन रहे, किते स्कूल बन रहे, किते सड़कां बनी जांदियां, जिन्नियां भी सहूलतां अज गरीब ते किसान नूं मिल रही हैं, सारियां ही सहूलतां श्रोमणी अकाली दल दियां। सब तो पहले मैं गल किसानी संघर्ष की करना चाहना है। किसानी संघर्ष का मुद्दा की सी कि MSP खत्म ना होए, ते पंजाब च MSP दिलाई की ने 1966 विच, पहले MSP नहीं हुंदी सी। 1966 विच अकाली दल ने मोर्चा लाया तो उदों दी सेंटर दी हुकूमत नूं झुका के MSP लागू कराई। दूजी अपने किसान भी डरदे है कि साडियां मंडियां खत्म हो जाणगियां। मंडियां पिंडां च बनाईयां किने? श्रोमणी अकाली दल ने। फोकल पॉइंट श्रोमणी अकाली दल ने, नहरां श्रोमणी अकाली दल ने, कसियां श्रोमणी अकाली दल ने। तकरीबन 16 लाख ट्यूबवैल कनैक्शन पंजाब च किसानां नूं दिते गए हैं, उन्हां चों 13 लाख श्रोमणी अकाली दल दे सरकारां दे दौरान दिते गए हैं। पहले ट्रैक्टरां दे टैक्स लगदा सी, साहब बादल ने हटाया। साइकिल ते टैक्स लगदा सी, साहब बादल ने हटाया। जिहड़े गरीब नूं कोई सहूलत नहीं सी,
आटा दाल शगन पेंशन आ पहले गरीबां दीआं धर्मशाला भी सरकारी खर्च ते नहीं बनदियां हुंदियां सी जिहड़ी अज बनदियां है वह भी फैसला बादल साहब जदों बने उदों उन्होंने किया। हिंदुस्तान का किसी भी सूबे ट्यूबवैलों के बिल माफ नहीं है किसी भी हिंदुस्तान सूबे कल्ले थोड़े सूबे। मैं याद है जो साहब बादल ने जबान दी कि मैं ट्यूबवैलों के बिल माफ करूंगा कांग्रेसी कहते किवें होणगे कर दते। जो साहब बादल ने जबान दी कि मैं गरीब नूं आटा दाल दऊंगा कांग्रेसी कहते किवें होऊंगा कर दिता। जो मैं जबान दी कि मैं बिजली 24 घंटे कर दूंगा मुआम कर दूंगा कांग्रेसी कहते नहीं हो सकती करती। जो मैं क्या पंजाब के हर जिले नूं चंडीगढ़ नाल एक दूजे नाल चार ते छे लेन दीआं सड़कां नाल जोड़ दूंगा कांग्रेसी कहते नहीं हो सकता कर दिता। असूली पार्टी है श्रोमणी अकाली दल जवान की पक्की पार्टी है। श्रोमणी अकाली दल दूजियां पार्टियां वांगू ना असी झूठी सौं खावांगे ना असी झूठे फार्म भरावांगे। जिहड़े लोग झूठियां सौं खांदे है जिहड़े लोग फार्म भरांदे है तां मतलब उहनां दे मन च खोट है वह ठगी मारना चाहुंदे है। आ हुण केजरीवाल भी देख लो आम आदमी पार्टी देख लो। केजरीवाल ने जदों अन्ना हजारे की मूवमेंट शुरू हुई केजरीवाल नूं पुछया गया कि तू सियासत च आएगा कहिंदा बिल्कुल नहीं मैं सियासत च नहीं आउणा ते आ गया। जदों पार्टी बना ली केजरीवाल नूं पुछया गया कि जे थोड़े एमएलए पूरे ना होए कि तुसीं कांग्रेस नाल समझौता करोगे रल के सरकार बना सकोगे उन्हें अपने बेटे के सिर पर हाथ रख के क्या मैं नहीं करूंगा ते जो नंबर पहली बार ना आए कांग्रेस ना मिल गया। केजरीवाल कहता मैं आम आदमी है मैं फ्लैट च रहूंगा जिथे आ पहले रहिंदा सी सरकारी कोठी नहीं जाऊंगा जो मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर बन गया उत्थे चले गया। कहता मैं ना हूटर ते ना लाल लाइट ना पायलट अज अगे पिछे देखो 10 गड्डियां होंदियां। आ केजरीवाल कहता मैं तनखा नहीं लूंगा मेरे कोई एमएलए तनखा नहीं लेंगे। सरकार आई 25,000 रुपया महीना एमएलए की तनखा सी इन्होंने वधा के 2,00,000 रुपया महीना करती। इत्थे आके कहिंदा मैं दूजी गरंटी तीजी गरंटी दूंगा। कहिंदे पिछे आके बयान दिता कि मैं 1,000 रुपया हर औरत नूं दूंगा। केजरीवाल साहब पहले 100 रुपया दिल्ली दे के शुरू कर दिओ जिथों दे मुख्यमंत्री है उत्थे 1 रुपया नहीं दिता। कहिंदे 300 यूनिट इत्थे माफ करूंगा दिल्ली 1 यूरो 300 यूनिट नहीं माफ किया। इत्थे कहिंदे सारे मुलाजम पक्के कर दूंगा दिल्ली 10 साल हो गए सारिया टीचर कंट्रैक्ट से है रौला पाते हैं 10 साल नहीं रेगुलराइज किए। तुम सारे जानते हो पंजाब जो तरक्की हुई है उदों ही तरक्की हुई है। जो साहब प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री साहब प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री 5 बार क्यों बने किवें बने क्योंकि आम जनता नूं विश्वास है उन्हां दी जबान ते जो कुछ कह देंदे सी ओ कर देंदे सी ताई उन्हां दे लोकां ने बार बार उन्हां नूं विश्वास दिता उन्हां सिर ते हाथ रख्या। जे तुसीं पंजाब दा नक्शा देखो जिन्नी बिजली अज पंजाब च सारे ही थर्मल प्लांट साहब प्रकाश सिंह बादल ने बनाए है एक भी कांग्रेस की देन नहीं। भाखड़ा डैम तो बगैर सारे ही डैम साहब प्रकाश सिंह बादल ने बनाए है कांग्रेस की एक डैम नहीं। जिन्निया भी आप 4-6 लेन सड़क सारिया 100% साहब प्रकाश सिंह बादल की देन है। पिछले 10 साल 133 शहरां ते मंडियां विच असी सीवरेज वाटर सप्लाई का काम मुकम्मल किया कांग्रेस ने 5 साल च एक निशानी नहीं। मैं तो चन्नी नूं पुछना चाहना चन्नी साहब दसो एक स्कूल का नाम दे दो पूरे पंजाब तुसी नवा बनाया होए पिछले 5 साल च एक हस्पताल का नाम दे दो जिहड़ा पिछले 5 साल तुसी बनाया होए एक सड़क दस दौ जी नवी एक पुल दस दौ जरा कोई नवा बनाया हो कुछ किया ही नहीं है। झूठते झूठ झूठते झूठ गल्लां ते गल्लां आ चन्नी दा तुहानूं पता ही है जे रेहड़ी कोले खड़ जांदा कहिंदा मैं रेहड़ी चलाउंदा हुंदा सी ठेके ते चले जांदा ते कहिंदा मैं इत्थों ही मैं भी पींदा हुंदा सी ते मैनूं एसएसपी दसदा सी अपने चमकौर साहब वाला रोपड़ वाला
ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਹੱਸੀ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਹੱਸੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਨੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਸਪਰਾਈਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਥਾਣੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੈਦੀ ਅੰਦਰ ਸਲਾਖਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੇਬ ਕਤਰੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਜੇਬ ਕਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਆਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਨੋਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਆਹ ਤਾਂ ਟੈਂਪਰਰੀ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਬਦਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀਸੀ ਦੀ, ਏਡੀਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਪੰਜ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਚਾਰਜ ਲੈ ਲਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਤੇ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਆ ਐਂ ਲੜੇ ਹੈ, ਐਂ ਲੜਦੇ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਕੜ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। 4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ, ਬੀਜੇਪੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, BSP ਗੱਠਜੋੜ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਜਿਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਝੂਆਂ ਆਉਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਛੱਡਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ SYL ਕਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕਢਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਏ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਾ, ਜਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ? ਪਿਛਲੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਤੋਂ, 5 ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅੱਗੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। 5 ਸਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਰਬਾਦ, ਇਕੱਲੇ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਪਾਰਟੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ, 2 ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਰੇਗਾ ਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਆਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ। ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਈਲਾਂ ਟੂਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਈ ਬੈਠੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਦੁੱਗਣੇ ਤਿਗਣੇ, ਜਾਲੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਬੈਠਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਣਾ, 12-13 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅੰਦਰ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡਾ ਕਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਆ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਲਣਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। 300 ਰੁਪਇਆ ਘਾਟ ਕੱਟ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਝੋਨਾ ਵੇਚਿਆ, ਝੋਨਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਖੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ 300 ਰੁਪਇਆ, 400 ਰੁਪਏ ਕਾਟਦੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕਾ ਠੇਕੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਆ ਲੇਬਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡਾ MLA ਤਾਂ ਛੱਡਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਫਾਈ ਦਾ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ MLA। ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ 13 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ।
फिर मैं एक गल देखी है जिहड़ी अपने पिंडां विच मैं जदों बादल पिंड होया कई पिंडां च क्या कई औरतां मेरे कोल आउंदियां कि दवाई वास्ते सानूं पैसा चाहिए मैं पुछिया थोड़े कोल पैसा नहीं कहिंदे घर वाले दिंदे ही नहीं तो असीं सोचिया मैं बड़े बाल साहब नाल गल कीती कहिंदे आ बड़ा पुन्न दा काम है असीं ताइयों नीले कार्ड परिवार जिन्हां दे मुख औरत है जिहड़े घर चलाउंदी है असीं उहदे खाते च हर महीने 2000 रुपया महीना दा स्कीम लैके आ रहे हां पिछली बार बिजली पूरी की थी सी हुण भी सानूं होर वधाउणी पैणी आ क्योंकि इन्हां ने कट लाउणे शुरू कर दित्ते पर हुण असीं सस्ती करांगे पहले 400 यूनिट भावें एससी परिवार है भावें जनरल परिवार है भावें बीसी परिवार पहले 400 यूनिट सारिआं वास्ते मुफ्त उहदे उत्ते जो वरतोंगे उहदे बिल दित्ता जाऊगा तीजी गल मैं करोना विच देखिआ मैं करोना दी बीमारी देखिआ इन्नियां मौतां होईआं सब तों ज्यादा मौतां पंजाब च होईआं पूरे देश विच क्यों होईआं सरकारी हस्पताल फेल हो गए प्राइवेट हस्पताल 4 लाख 5 लाख 6 लाख का बिल बनाते बेचारे गरीब जा नहीं सकते इस करके असी फैसला किया जिवें अमरीका कनेडा यूरोप हर परिवार की इंश्योरेंस होंगी है मेडिकल इंश्योरेंस असी भी हुण सारे पंजाबी परिवारों की मेडिकल इंश्योरेंस करावांगे प्रीमियम पंजाब सरकार इंश्योरेंस कंपनी देगी 10 लाख रुपए की मेडिकल इंश्योरेंस होगी किसी मर्जी हस्पताल जाके प्राइवेट सरकारी तो कार्ड दिखा के तुसी अपना परिवार का इलाज करा सकते मेरे पंजाब के नौजवान बेचारे गरीब नौजवान पढ़ना चाहते हैं पर पढ़ाई वास्ते पैसा नहीं होंदा बहुत बच्चे बच्चिया मेरे को आई हैं उन्होंने फीस वास्ते 30,000 है नहीं 40,000 है नहीं 1 लाख रुपया नहीं बेचारे की करते पढ़ाई छड़ देंदे है पंजाब जे तरक्की दे लियाउणा है ते पंजाब दे बच्चियां नूं चंगी पढ़ाई दा मतलब है चंगे कॉलेज चंगी पढ़ाई कई बच्चे न्यूजीलैंड जाके पढ़ना चाहते हैं कोई बच्चे बंबई जाके पढ़ना चाहते हैं पर जा नहीं सकते इस करके बच्चियां नूं ना घर वेचण दी लोड़ पए ना कर्जा लैण दी लोड़ पए असीं स्टूडेंट कार्ड स्कीम लैके आए हैं जिहड़े नौजवान पढ़ना चाहुण साडी सरकार नूं अपलाई करन स्टूडेंट कार्ड 10 लाख रुपए का मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज तुसीं दाखला लेना है वो कार्ड थोनू मिल जूगा वो कार्ड का मतलब है जिथे तुसीं दाखला लेना उस यूनिवर्सिटी कॉलेज नूं पंजाब सरकार सीधा पैसा देगी कोई थोनू ब्याज नहीं लगना कोई थोड़ी गरंटी नहीं जदों पढ़ के थोनू नौकरी लग गई 15 साल च ला दिओ मैं चाहना कि अपने बच्चे आप पैरों पर खड़े हो जाए जी सरकारी स्कूलों की पढ़ाई है तुम देखिए कि सरकारी स्कूल सारे फेल है सरकारी स्कूल दे पढ़िया बच्चा चंगी यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं ले सकता उसका कारण है क्योंकि जो स्कूल है वो कोई 2 कमरे का 4 कमरे का टीचर 2 है कि पंजाबी का टीचर साइंस पढ़ा सकता नहीं पढ़ा सकता आप खाता खाना पूर्ति की है हुण मेरी सोच है कोई खाना पूर्ति नहीं होनी चाहिए असी मेरा इलाज लभ लिया हर 25,000 आबादी के अंदर एक 5,000 बच्चे का मेगा स्कूल घट तो घट 25-30 करोड़ रुपये ला के एक स्कूल बनेगा जिथे सारिया क्लासा 200 टीचर उन्होंने मकान सारा कुछ बिच होगा असी क्वालिटी एजुकेशन देवे क्वॉंटिटी नहीं जिमें थोड़ा हल्का है 3 लाख की बारी है जो 5,000 बच्चे 12 स्कूल है थोड़े कोने कोने बन जाएंगे देखोगे किमें लेवल वाधा ना एक होर भी फैसला किया है कि जिन्हें सरकारी स्कूल के पढ़े हुए बच्चे है जिन्हें यूनिवर्सिटियां कॉलेज पंजाब च है 33% सीटा सरकारी स्कूल के पढ़े हुए बच्चों वास्ते रिजर्व की फीस भी जिहड़े सरकारी स्कूल के पढ़े हुए बच्चे उन्होंने फीस भी पंजाब सरकार देगी मैं अगले 5 साल एक गरीब घर का डॉक्टर बना के दिखाऊंगा इंजीनियर बना के दिखाऊंगा जो अज तक नहीं आजादी तक हो सके जिहड़े अपने छोटे दुकानदार है पिंडां च भी दुकाना इत्थे छोटी थोड़ी देखो हर मोहल्ले दुकान है छोटे छोटे दुकानदार बेचारे उन्होंने कोई सहूलत मिलती नहीं मैं फिर उन्हां दा वफद मैनू मिलिया मैं उन्होंने कहा कि थोनू की चीज की लोड़ है वह कहिंदे जे साडे च कोई माल
जो चलाउंदा दुकान मौत हो जाए परिवार जमा ही रुल जाता है, जे अग लग जाए रुल जाता है, ना साडे कोल कोई पैसा है। इस करके असी मैं तीन स्कीम उन्होंने वास्ते लेके आए कि 10 लाख रुपए की लाइफ इंश्योरेंस सारे छोटे ट्रेडर दुकानदार वास्ते 10 लाख रुपए की लाइफ इंश्योरेंस पंजाब सरकार दे के दे गई। 10 लाख की फायर इंश्योरेंस पंजाब सरकार उन्होंने करके देगी, फायर इंश्योरेंस उन्होंने वास्ते। एक जिहड़े नौजवान बच्चे है, कई बच्चे बच्चियां कम अपना करना चाहते हैं, बहुत लड़कियां मैनू मिलियां जिहड़ियां कोई ब्यूटी पार्लर खोलना चाहुंदी हैं, कुछ कोई दुकान खोलना चाहुंदा है, अपने पैरों से खड़े होने वास्ते बेचारे को पैसा नहीं हुंदा गड शुरू करने वास्ते। तो असी अपने कोऑपरेटिव बैंक राही जिहड़े नौजवान अपने पैरों से अपनी दुकान खोलना चाहुण या कोई काम अपने पैरों से शुरू करना चाहुण, 5 लाख रुपए तक का लोन असी पंजाब कोऑपरेटिव बैंक तो देवांगे। वो ब्याज 3 साल उन्होंने कोई भरना नहीं पैना जिन्ना तक उन्होंने चलती नहीं। जिन्हिया भी चीजा सोचिया बड़े देख देख कित्थे कित्थे लोड़ है, ए नहीं अखा मीच के हम केजरीवाल कहता सारिया औरतों अपना 1000 रुपया, जो करोड़पति है उस वाल की घरवाली ने भी 1000 रुपया आजूगा, उन्हें लेना की है, एवं झूठ बोली। चलो अपने अपने ही है, असी थोड़े असी जीना मरना इतने है। इन्होंने कितने इन्हों केजरीवाल को कोई वोट ना पैने, ने दुकान बंद करके होर सूबे चले जाना है, अभी तो रहना ही इतने है। थोड़ी मां पार्टी है, थोड़ा किला है, थोड़ा घर है, थोड़ी अब बिल्डिंग है, बिल्डिंग थोड़े घर की नींह तकड़ी होए थोनू कोई झाक नहीं सकता। अज थोड़ी नींह तकड़ी मजबूत रखो। नाले सब तो वड्डी गल मेरे पिता ने मैनू सिखाई है, मैनू बादल साहब ने कहा जो मैं प्रधान बनया, उन्होंने कहा एक गल याद रखी, पंजाब तां तरक्की करूगा जे पंजाब विच अमन शांति ते भाईचारिक सांझ रहूगी। पंजाब पंजाब बादल साहब तुसीं देख लो 5 बार मुख्यमंत्री बने, सारे धर्मां दे लोग सेफ फील करते, उन्हें पता सी कि साडा मुख्यमंत्री है, किते फर्क नहीं रखिया। साहब प्रकाश सिंह बादल किसी भी धर्म का शुभ दिहाड़ा हुंदा साहब प्रकाश सिंह बादल आप जाके मनाउंदे, जिन्हें भी पवित्र स्थान है सारे धर्मां दे, साहब प्रकाश सिंह बादल ने करोड़ां रुपये पंजाब दे खजाने च ला के उन्हें ठीक किया। राम भगवान वाल्मीकि जी का पवित्र स्थान राम तीर्थ तुसी जाके देखो, 300 करोड़ तो वध ला के उस जगह नूं इन्ना खूबसूरत बनाया। दुर्गियाना मंदिर अमृतसर विच करोड़ां रुपये ला के खूबसूरत बनाया। गुरु रविदास जी महाराज का स्थान करालगढ़ उत्थे काम बड़ी तेजी ना कराया बादल साहब ने, दरबार साहब कराया। जो मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा शुरू की सारे वास्ते की, जिन्हें अपने अपने धर्म की आस्था है जिथे वाराणा बनारस जाना उत्थे ट्रेन जाऊगी सरकारी खर्चे, पर इन्होंने बंद करती। असी सेवा केंद्र खोले कांग्रेस ने बंद करते, मैं नौजवानों जिम से खेडों का समान कर दिता सी कांग्रेस ने बंद करता, मैं वर्ल्ड कप कबड्डी करवाउंदा सी कांग्रेस ने बंद करता। एक भी चीज कोई है जिहड़ी कीती है ना, करनी है इन्होंने। आ भी चन्नी जिन्ना मर्जी ड्रामे कर ले, जिन्ना मर्जी झाड़ू फेर ले, तेरा झाड़ू फिर जाना मैं तैनूं अज दसदा। पंजाब दी नब्ज दिल तुसी बैठे हो, तुसी पछाणदे हो किहड़े अपने अपने, नाले थोनूं असी एक बहुत वधिया टीम दित्ती है। यादू दा मेरा भरा है, मैं तुम सही दसा बहुत पुराना संबंध, किन्ने साल हो गए, 18 साल हो गए। ते एक्टिव मैं तो बड़े मगर लग्या सी, मैं उन्हें कहा कि होर किसी नूं टिकट नहीं दूंगा, दूंगा तेनू ही दूंगा पर कुछ मर्जी हो जाए, पर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई। पर मैनू बड़ी हैरानी की गल हुई, मैनू जो मैं इन्हों की धर्मपरी जसदीप कौर यादू जी ने दिती टिकट, मैनू कहन लगे हुण बीबी जी ज्यादा वोटां ते जित्तण गए इन्हां नालों, कहिंदे सारा ही शहर उन्हां नाल है। देखो आह जिहा परिवार है जिहड़ा थोड़ी जेबां तरफ नहीं देखूगा, अपनी जेब चो खर्चण वाले है। आ जिहड़े कांग्रसी तां जेबां तरफ देखते रहिंदे किहड़ी जेब चो किन्ना कढ़ना है। आ एमएलए तां लभणा नहीं, मैं तुहानूं गरंटी देना जिन्ने घपले इहने कीते ना,
आद गया। थोड़े शहर की मैं तुम्हें गरंटी दिना यद न मैं किसी चीज की ना नहीं की। सरकार बना दो भावे 500 करोड़ मांग ली, पैसे का कोई कमी नहीं पंजाब। एक लुधियाना जिला बहुत वड्डा जिला, 14 हल्के बहुत मिलता था पंजाब एडा वा, मतलब 5 जिले जिन्हें एक बन गया। तो इस करके मैं थोड़ी कमिटमेंट है जादू नू मैं ना नहीं कर सकता, मेरे मगर पै रहा लुधियाना खन्ने नू जिला बनावांगे मैं तुहानू अज दसदा। ते नाले होर गल है, जिन्ने जिले है सारे च मेडिकल कॉलेज बनना ही बनना, थोड़ा तो ऑटोमेटिक ही आ गया इत्थे कॉलेज। ते बाकी भावे स्टेडियम की लोड़ पाया, गलियां नालियां तो वधिया बना देंगे। अच्छा होर इन्हां नू कोई मंगन की लोड़ नहीं है, महीना 2 महीने रह गए, कोई एमएलए तो मंगन की लोड़ ना, उन्हें कह तू तो भज, असी अपनी सरकार च आपां चीजा लवांगे। ते नाले मुलाजम वीर नू कहना चाहुंदा, जिन्हें कच्चे मुलाजम है याद करो सारे नू, पिछली बार असी उन्होंने परमानेंट किया, एक्टिव भी असी करांगे। मुलाजम पंजाब सरकार दे मुलाजम नू पता है जदों दा पंजाब बनया है, जिन्ने पे कमीशन बनाए है साहब प्रकाश सिंह बादल ने बनाए है, जिन्ने पे कमीशन लागू किए है साहब प्रकाश सिंह बादल ने लागू किए है, एक भी पे कमीशन ना इन्होंने बनाया। एक्टिव समा सी इन्हां कोले, पिछली बार भी समा सी, पर इन्हें 5 साल लारे ला के टपाते, कल्ले डांगा मारते लगे रहिंदे आ, बीबियां नू घरों कढ के बेचारियां नू बिठाया, मिल नू तैयार नहीं। आ कोई सरकार है साहब बादल, कोई मर्जी इंसान आके मिल जांदा सी। इस करके मुलाजम परिवारों नू बेनती करना है, एवं इन्हां दे मगर डांगा खाण दी लोड़ नहीं, आराम नाल घरे बैठो, श्रोमणी अकाली दल BSP की सरकार बनाओ। ते नाले जिहड़ा गठजोड़ है बड़ा वधिया गठजोड़ है, दोनों पार्टियां की सोच एक है, गरीब किसान मजदूर दुकानदार की पार्टियां है, एड्डी वड्डी ताकत है। 96 में गठजोड़ होया, 13 चो 11 सीटा पार्लीमेंट दी जितियां। मैं जेजा हवा एकती है, मैं कहना तूफान ही आ रहा है। आ दो पार्टियां का गठजोड़ ने नेरी लियाती पंजाब, आ देख लो लभने नहीं, ना टोपी वाले, टोपी तो लभदी नहीं, मिलना था मैं तो देखी नहीं, उन्हें 2-3 साल हो गए। आ जिहड़ा हैगा केजरीवाल कुजरीवाल, ते ना BJP वाले तो जिन्ना मर्जी लभ लुभ के माल इकट्ठा करी जांदे है, जिन्ना मर्जी जिहड़ी किसी पार्टी ने लोग उन्होंने नहीं मिलती टिकट, उन्होंने कोले आ जांदे कि एक दुकान तो नवीं खुली है। सो इस करके थोड़ी अपनी मां पार्टी श्रोमणी अकाली दल सिर ते हाथ रखो, देखो पंजाब नूं किवें अगे लैके जांदे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरू जी। आप खबरी अड्डा को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं, और नए नए कंटेंट और खबरों के लिए भी आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं।